तो बापू ने कहा कांग्रेस विसर्जित करो, लेकिन कई लोगों के अपने विचार थे, कुछ लोगों के स्वार्थ थे, इसलिए कांग्रेस को विसर्जित नहीं किया गया। गुजरात के चुनाव को रंग चढ़ रहा है, लेकिन गुजरात का रंग एक ही है और वो है केसरिया रंग, भगवा रंग, नरेंद्र मोदी जी का रंग। और मेरा विश्वास है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सरकार गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहां वोट मांगने आया हूं, मैं यहां वोट मांगने नहीं आया, मैं तो मणिनगर के उन मतदाताओं को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए आया जिन्होंने हमारे नेता नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए जब मुझे ये बताया कि मणिनगर जाना है और उसमें भी दक्षिणी जाना है, तो जरा आपले मराठी लोक ही भेटतील हे माझ्या लक्षात आलं, आणि त्यामुळे गर्वी गुजरात सोबत जय महाराष्ट्रही करता येईल म्हणून खरं म्हणजे या ठिकाणी मी आलो। पण गुजरात के लोग ये बहुत होशियार लोग हैं, बहुत होशियार। देखिए, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर दो। उन्होंने कहा अब कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, कांग्रेस की जरूरत खत्म हो गई है। तो बापू ने कहा कांग्रेस विसर्जित करो, लेकिन कई लोगों के अपने विचार थे, कुछ लोगों के स्वार्थ थे, इसलिए कांग्रेस को विसर्जित नहीं किया गया। और हमने उसके बाद देखा अनाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार की मालिका कांग्रेस पार्टी चलाती रही और इस देश को लगातार पीछे ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये तो सबसे पहले गुजरात के ध्यान में आया कि बापू की बात सही है, कांग्रेस को विसर्जित करना चाहिए, इसलिए 27 साल से आपने कांग्रेस को गुजरात में विसर्जित करके रख दिया। और मेरा विश्वास है इस बार तो अमूल भाई ऐसा विसर्जन होने वाला है जो कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं होगा। और राहुल गांधी को यह पता है इसलिए एक सभा करके गायब है। मुझे बताइए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, यहां की कथित मुख्य विपक्षी पार्टी, और उसके नेता भारत जोड़ो यात्रा लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश घूम रहे, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आए थे महाराष्ट्र में, मैंने उनको ठीक से रवाना कर दिया, मध्य प्रदेश भेज दिया। अभी शिवराज जी उनकी खातिरदारी करेंगे और उनको आगे भेज देंगे। और देखिए, यहां पर भारत आजादी के 75 साल मना रहा है और वहां महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा लेकर, ये पता नहीं कौन सा भारत जोड़ रहे, वहां आकर सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। वहां कह रहे हैं सावरकर ने, ये तो माफी वीर है, ये स्वातंत्र वीर ने, तो ये तो माफी वीर है। अरे शर्म करो भाई, जिस व्यक्ति ने अंडमान की काल कोठरी में कोलू का बैल बनकर वहां पर कोड़े खाते हुए भारत माता की जय बोली, उसका बलिदान तुम क्या समझ पाओगे राहुल गांधी? तुमको तो स्वतंत्रता के आंदोलन में केवल नेहरू गांधी परिवार पता है, उससे आगे तुम्हारा स्वतंत्रता का आंदोलन बढ़ता ही नहीं है। तो
तुम सावरकर जी को भी गाली देते हो और साथ साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में जो हमारे नायक थे इनको छोटा दिखाने में भी कांग्रेस ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्होंने सच में भारत जोड़ो किया ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कांग्रेस ने कभी उनकी जो सही जगह है उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया। अगर 542 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत में नहीं जोड़ते तो ये भारत जोड़ो नहीं हो पाता। जिन्होंने ये कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ पहली बार भारत में मणिपुर पर आक्रमण कर अंग्रेजों की फौजों को परास्त करते हुए भारत की स्वतंत्रता का झंडा लहराया वो सुभाष चंद्र बोस भी हमेशा कांग्रेस से अपमानित होते रहे और अब ये निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये अपोजिशन जोड़ो विपक्ष जोड़ो यात्रा है।